कर छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटने का काम हो रहा है। कैसे कैसे लूटा जा रहा है? घोटालों का सिलसिला चल पड़ा है। कोयले का घोटाला, चावल में घोटाला, शराब में घोटाला। साहब, शराब घोटाला और चावल घोटाला, ये अद्भुत है। देश में ऐसा घोटाला मुझे तो याद नहीं आता है कैसा घोटाला। क्या 15 साल में आपकी सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ? मैं आपको बता रहा हूं कि कोयले का घोटाला कैसे किया। और छत्तीसगढ़ के आम लोगों को पता था कि 15 कोयले में 25 रुपया प्रति टन की वसूली हो रही है। छत्तीसगढ़ के आम लोगों को पता था कि ये सरकार शराब के दुकानों में 2 काउंटर चलाती है। 1 काउंटर का पैसा कांग्रेस के खजाने में जाता है, 1 सरकार के खजाने में जाता है। और कैसा शराब बेच रहे थे? डिस्टलरी से सीधे शराब दुकानों में नकली होलोग्राम, नकली शराब। एक तरफ लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़, भ्रष्टाचार के लिए। ये मुझे लगता है देश की पहली सरकार होगी जो सरकारी खजाने पर ही टाका डालने का काम। लेकिन अरुण जी, कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस के नेता जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं, वो इस बात का जिक्र करते हैं कि ऐसा कोई भ्रष्टाचार है ही नहीं, और जो भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है वो क्रिएट किया हुआ है, वो बनाया गया है, जिसका जिक्र बीजेपी के नेता करते हैं। और जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो या इनकम टैक्स हो, वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है। मैंने इसीलिए अपनी बात की शुरुआत की कि छत्तीसगढ़ का आम जन जानता था कि कोयले में 25 रुपया प्रति टन वसूली जा रही है, शराब दुकानों में 2 काउंटर चलते हैं। ये छत्तीसगढ़ के आम लोगों को पता था। जब आम लोगों को पता था तो ईडी को पता चलना ही था, और ईडी को पता चलना था तो कार्यवाही तो होनी थी। और आज जमानत नहीं हुई अब तक 8 महीने से। पर ईडी को तो आपकी बी टीम कहा जा रहा है। मैं आपसे कह सकता हूं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक आरोप लगाना अलग बात है, पर क्योंकि कोर्ट में भी इस तरह की चीजें आई हैं कि भाई जो तथ्य हैं अभी पहले उनको तो सामने लेके आओ। इसीलिए आज तक जमानत नहीं हुई, ईडी ने तथ्य दिया है। और मैं तो बोलता हूं जनता जनार्दन को पता के बाद, अब ईडी के बाद ये केस सीबीआई में भी जा रहा है, तो जांच एजेंसी से फिर जांच एजेंसी। देखिए, ईडी की एक सीमा है कार्यवाही की, सीबीआई की अलग सीमा है। और ईडी की कार्यवाही कब होती है? पहले आईटी की कार्यवाही होती है, फिर आईटी को लगता है कि इसमें ईडी के लायक मामले हैं तब ईडी को जाता है, ईडी को लगता है कि अब यह मामला सीबीआई के लायक है तो सीबीआई में जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं।